हजरत अंस बिन मालिक कहते एक जाहिर नाम के सहाबी थे, गरीब आदमी था, थोड़ी सी तरकारियां, थोड़े से फल, थोड़ी सी सब्जी गांव से सर पे रख के लाता। छाबड़ी फरोश कहते हैं आप, रेड़ी वाला, वो गरीब आदमी गांव से सब्जियां लाता और लाके ना मदीने वाले महबूब को ताजी सौगातें गांव की देता और हुजूर उसे शहर की चीजें देते और हुजूर पता क्या फरमाते, यानी ये गरीब आदमी को इज्जत देने का रंग है। नबी पाक फरमाते ये मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूं। हुजूर सहाबा के बीच बैठ के कहते ये सज्जन है मेरा, ये मेरा पिंडू है, मैं इसका शहरी हूं। हुजूर उससे बातें करते, सहाबा कहते हैं वो भी इस तरह के सवाल जवाब करता कि हुजूर हंस पड़ते। हम ना कभी हुजूर परेशान होते तो इंतजार करते कि आज वो देहाती आ जाए ना, जाहिर नाम था उसका। अब ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है कि वो ना चूंकि गांव से अपनी चीजें बेचता था, लाके सर पे रख के लाता था, छाबड़ी वाला था, रेड़ी वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे तो वो दुकान पे खड़ा है, अपनी चीजें बेच रहा है, शहर की खरीद रहा है। ये काम आज पीर साहब नहीं करते, मौलवी साहब नहीं करते, ये काम SHO भी कोई हो जाए तो वो भी नहीं करता, इसलिए कि फूल लगे हुए हैं। सुनो मेरे यारो, ये रंग है गरीबी के अंधेरों से निकालने वाला, ये रंग है फकीर को, गुलाम को इज्जत देने वाला। वो अपने ध्यान खरीदारी कर रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने उसे देख लिया बाजार में से तो हुजूर ना हल्के हल्के कदम उठाने लगे। यार भी यार के लिए उठाता, छुपता छुपाता पहुंचता है। ओ यार मैं नहीं बात कर रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मैं नहीं बात कर रहा वजीर आजम और सदर की, मैं मुल्क के सदर की बात नहीं कर रहा, मैं रसूलों के इमाम की बात कर रहा हूं, मैं रब के नाइब मुतलक की बात कर रहा हूं। वो फरिश्ते जिनका जलवा देखने के लिए तरसे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि तेरा महबूब आ रहा है मेराज पे, तो 2 मिनट मिलेंगे ज़ियारत के लिए। नबी नबी सफे बांध के मस्जिद अक्सा में इंतजार करें। ओ गरीबों, तुम्हें जो रोशनी मदीने वाले रसूल ने दी तुम्हें कोई लीडर नहीं दे सकता। चुपके चुपके हुजूर गए, वो तरकारियां बेच रहा है, छाबड़ी वाला है, रेड़ी वाला है, रेड़ी वाला, रेली वाला। तो मेरे भाई कमाल कर देते हैं, वहां पहुंचा देते, अट्टी वाली है तेरी खैर हो गई। ओ भाई क्या अंदाज है। मेरे रसूल पाक ने ना पीछे से जाके ना तो उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। ये काम यार करते हैं यारों के साथ, ये सज्जन करते। और मैं ये समझा हूं कि हुजूर ना तन्हाई में बड़ा प्यार करते थे, जब वो घर में हाजिर होता था, मस्जिद में हाजिर होता था तो प्यार करते थे। आज सोने ने सोचा कि मैं इस यारी का बाजार में ऐलान करूं, आज लोगों को पता चले कि मेरी गरीब से दोस्ती है, तो ये छुपी हुई नहीं, आज चौक में बाजार में ऐलान होना चाहिए कि मेरा ये गरीब छाबड़ी वाला सज्जन है। हुजूर ने आंखों पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया पहचान भला मैं कौन हूं। नहीं अपनी बोली च गल करने, हुजूर फरमाया बुझ हां भला मैं कौन हूं, ओ बुझ हां भला मैं कौन हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता कुर्बान जाए। हजरत अंस कहते हैं यूं लगता है कि फरिश्ते जमा हो गए उस वादी में। उसने ना अपनी कमर पीछे की और हुजूर के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा सोनिया तो जिस गली से गुजरे तो खुशबू ही मुझे तेरा एड्रेस बताती है। हुजूर खुशबू बता रही है, मेरे रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना एक और खुशतबी की, यार यार से शुगल कर एक और खुशतबी की। नबी पाक रंग काला, गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है, कुर्बान जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु खुशतबी नहीं करते, खुशतबी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अंस कहते हैं इन बातों पर लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है ना रंग है ना शक्ल है ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं तेनू कोई परवाह नहीं,
नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा और फिर सीने से लगाया, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा। फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी कदर। जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ए मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। जब तक बिके ना थे,